नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे आपको नॉन टीचिंग पोजीशंस में बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलेगा अलग अलग पोस्ट में। तो कौन कौन से पोजीशन में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के साथ साथ टोटल वैकेंसीज कितना है, एंड यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, ठीक है, कितने दिन तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं अलग अलग पोजीशन के लिए, क्या पे लेवल रहने वाला है, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विद एज लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्ट है ग्रुप ए पोस्ट, जिसके लिए डेप्यूटी रजिस्टर्ड बाय डेपुटेशन एंड इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, ये भी डेप्यूटेशन के बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, असिस्टेंट रजिस्टर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है, जो कि ग्रुप ए पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो देखिए 78,800 से लेकर यहाँ पे 56,100 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है पर मंथ के हिसाब से। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप लोग चेक कर सकते हैं। 56 इयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है फॉर सीरियल नंबर 1 to 3 एंड सीरियल नंबर 4 to 7, यहाँ पे 40 इयर्स एज लिमिट रखा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है ग्रुप बी पोस्ट, जिसमें आपको सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट में वैकेंसीज देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए 35 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट, एंड यहाँ पे आप पे लेवल देख सकते हैं, पे लेवल 7, पे लेवल 6 यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाला है, जिसके चलते आपको 44,900 से लेकर 35,400 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाला है पर मंथ के हिसाब से। ग्रुप सी पोस्ट है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैंने सुबह भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें 5 वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट, जिसमें पे लेवल 5 से लेकर पे लेवल 1, पे लेवल 4 एंड पे लेवल 2 यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके चलते सैलरी आपको मिलेगा तो 29,200 से लेकर 18,000 रुपीज पर मंथ, 32 इयर्स यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन से लेकर एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो आप जिस भी पोस्ट में जो है इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। एंड यहाँ पे आप बैचलर्स मास्टर्स से लेकर क्लास 12th पास एंड क्लास 10th पास कैंडिडेट्स के लिए भी जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगा, मतलब पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ग्रुप बी पोस्ट में आपको बैचलर डिग्री यहाँ पे आपका रहना चाहिए, इसी तरीके की आपका ग्रुप सी पोस्ट में जो है क्लास 12th, क्लास 10th, बैचलर मास्टर्स डिग्री के पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लैब अटेंडेंट के लिए अगर आपने 12th पास किया है विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल और स्टेट बोर्ड, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने 10th पास किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे शो करना होगा इन लैब टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास लैब टेक्नोलॉजी का स्किल सर्टिफिकेट है एंड आपने 10th पास किया है तो यहाँ पे आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्ट भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो देखिए ग्रुप ए जितने भी सारे पोस्ट है सभी के लिए 1,000 रुपीज रखा गया है फॉर यूअर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज रखा गया है एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर वेमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन के साथ साथ सेपरेट एप्लीकेशन फीस भी पे करना होगा एंड जो एप्लीकेशन फीस है फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने एक बार पे कर दिया दैट विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फिल कीजिए। पहले आपको समर्थ पोर्टल में जाना है एंड देन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद लॉगिन कीजिए एंड देन फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ मस्ट बी अ रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ एंड क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। एंड जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे यहाँ पे फाइल उसका साइज जो है 100 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए एंड फॉर्मेट PDF या फिर JPEG फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अप्लाइंग फॉर रिजर्व पोस्ट यानी कि SC ST OBC PWD एंड EWS कैंडिडेट के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक है टाइपिंग टेस्ट एग्जेम्पशन, तो कुछ कैंडिडेट्स जो है PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए टाइपिंग टेस्ट जो है वो उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। यानी कि कुछ पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना हो सकता है तो उसके लिए जो है एग्जम्प्ट कर दिया गया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी है देन आप यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। विदाउट क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट आप यहाँ पे सीधे इंटरव्यू के लिए जो है सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। एज रिलैक्सेशन आपको देखिए जैसे SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट्स के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 10 साल एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अर्ली सबमिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है या फिर हार्ड कॉपी सबमिशन करना है दोनों में ही आपको जो है अर्ली सबमिशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं एंड जो है एंड में करते हैं एप्लीकेशन जिसका लास्ट डेट है उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले करते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि कोई भी टेक्निकल इशू आ गया तो अगर आप कंप्लेन भी करते हैं तो उसको ठीक करने में 1-2 दिन लग सकता है। उसमें जो है लास्ट डेट जो है वो निकल जाता है एंड आफ्टर लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंसिडर कतई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एंड हार्ड कॉपी सबमिशन में ये होता है कि आपका पोस्टल डिले वगैरह हो सकता है, उसमें भी आपका एप्लीकेशन अगर लास्ट डेट के बाद पहुंचता है जो मतलब ऑफिस है वहां पे अगर लास्ट डेट के बाद पहुंचता है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। इसीलिए हमेशा ट्राई करना है कि आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखा, ठीक है, उसको तुरंत जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जाके डाउनलोड कीजिए, गो थ्रू कीजिए, वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, वहां पे सब कुछ डिस्कस किया जाता है। अब लोग पूरा नहीं देखते हैं इसलिए बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग बताते हैं तो पूरा देखिए, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट में जाके डाउनलोड कीजिए एंड देन खुद जो है उसको गो थ्रू कीजिए अच्छे से एटलीस्ट 1 टाइम, उसके बाद जाके एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है फॉर एडिटिंग या फिर एनी अदर करेक्शन, इसीलिए प्रीव्यू करके अच्छे से चेक कर लीजिए उसके बाद ही फाइनली सबमिट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप कहीं पे भी करंट एम्प्लॉय हैं तो आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC सबमिट करना होगा। एक्सपीरियंस और सर्विस सर्टिफिकेट, देन अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ACRs और APARs फॉर द लास्ट 5 ईयर्स अप टू 31st March 2024, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग मेजर माइनर पेनल्टीज एंड देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट सपोर्टिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होगा यानी कि यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए जो है रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड देन इंटरव्यू होगा, तो कोई भी स्टेप हो सिलेक्शन प्रोसीजर का उसका जो भी अपडेट्स आता है यानी कि कॉल लेटर्स वगैरह वो हमेशा मेल के थ्रू आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेल आईडी जो है आपको बहुत ही ध्यान से देना है, करेक्ट एज वेल एज वैलिड मेल आईडी आपको प्रोवाइड करना है क्योंकि मेल आईडी के थ्रू ही यहाँ पे आपको आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो मेल आईडी के थ्रू ही होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे पूछते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो हमेशा देखिए नोटिफिकेशन में अगर रिटन टेस्ट होता है तो रिटन टेस्ट के लिए जो भी सिलेबस चाहिए होता है वो हमेशा यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। अगर मेंशन नहीं होता है देन यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल लिखा होता है कि
जो सिलेबस है वो आने वाले दिन में आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी पोस्ट में जो है इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है तो आपको जो है रेगुलरली चेक करते रहना है, जब ही यहाँ पे रिटन टेस्ट के सिलेबस आएगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि सारे पोस्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है रिटन एंड स्किल टेस्ट का, वो नोटिफाई कर दिया जाएगा सेपरेटली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जब भी जाए रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी का जो है ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साथ में लेके जाना है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि लास्ट डेट वगैरह पे, मतलब क्या लास्ट डेट रहने वाला है, कहाँ से ये नोटिफिकेशन आया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन बेसिस पे आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। परमानेंट पोजिशन है, 20 जून से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन है वो 20 जून को आ गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 21 जून से एंड 19 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे देखने को मिलेगा एज वेल एज ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, यहाँ पे जाकर करियर में क्लिक करना है एंड देन करियर सेक्शन में जाने के बाद आपको नॉन टीचिंग एंड प्रोजेक्ट स्टाफ में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला जो नोटिफिकेशन दिखेगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए, खुद भी जो है गो थ्रू कीजिए, उसके बाद जाके एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए एंड चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल या नीडफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड देन वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।